वहीं मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव है। सोमवार को वहां राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। 2018 में MNF ने वहां कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। मिजोरम में राहुल गांधी ने पड़ोस के मणिपुर की हिंसा को एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया है। देखिए रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत ही संक्षिप्त रूप। इस बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिजोरम की राजधानी आइजोल की सड़कों पर निकले। 2 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में उन्होंने उस राज्य के लोगों से जुड़ने की कोशिश की जिनसे उनके परिवार का करीबी रिश्ता था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब ऐतिहासिक मिजो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और तब से मिजोरम शांतिपूर्ण है। सोमवार को राहुल गांधी ने मिजोरम के लिए अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने मिजोरम में मणिपुर का जिक्र करते हुए पूर्वोत्तर से सौतेले बर्ताव का आरोप लगाया। The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. It is no longer a state. It is now two states. People have been murdered, women have been molested, babies have been killed. But the Prime Minister doesn't find it important to travel there. It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. Congress ne haal hi mein Rashtriya Vipakshi Block, India Gathbandhan ke anurup do sthaniya partiyon, People's Conference aur Zoram Nationalist Party ke saath Mizoram Secular Alliance ka gathan kiya hai. मिजोरम में इस बार चुनाव में राजनीतिक दाव बहुत ऊंची है और विश्लेषक ये मानते हैं कि कांग्रेस के लिए ये एक अस्तित्व की लड़ाई है और इसीलिए शायद राहुल गांधी खुद 2 दिन लगातार मिजोरम में कैंपेन कर रहे हैं। मगर मिजोरम में ये भी बात हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि 2008 से 2018 तक कांग्रेस की सरकार रही थी और इसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट बहुत बड़ी बहुमत से जीत हासिल उन्होंने की थी और उस चुनाव में कांग्रेस 40 में से सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई थी। वेल नाउ द कांग्रेस आई बिलीव ऑफ द बेस्ट दे मे गेट 1 or 2 सीट्स द कांग्रेस एंड एट द सेम टाइम दे मे बी नील आल्सो देयर इज दैट पॉसिबिलिटी द बिगेस्ट चैलेंज दैट इज इट पीएम ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट। क्षेत्रीय पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है और बीजेपी भी ऐसे सीटें जीतने की कोशिश कर रही है जहां 87% मतदाता ईसाई हैं। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर कांग्रेस के नवीनतम प्रस्ताव पार्टी के लिए अपने पूर्वोत्तर भाग्य को बहाल करने के लिए एक कठिन चुनौती है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।